नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। वाराणसी के प्राथमिक विद्यालय बरथरा खुर्द क्षेत्र पंचायत चोलापुर वाराणसी में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम प्रधान प्रमोद सिंह और टीचर आकाश तिवारी, प्रेम शंकर, सचिदानंद नंदलाल, ब्रजेश मिश्र, कल्पना वर्मा, विमल मिश्रा, संजय सुजाता गुप्ता, परमानंद मिश्र, सगेर सिद्धयती आदि लोग शामिल रहे। वाराणसी से हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट। आजमगढ़ के छावनी फिरतू राम मेमोरियल पब्लिक स्कूल में
26 जनवरी के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर श्रीनाथ पूर्व चिकित्सा अधिकारी मुख्य अतिथि रहे। प्रबंधक अशोक कुमार, सोमनाथ, एडवोकेट धीरज राजभर, दिनेश यादव आदि लोग भी मौजूद रहे। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। बताए सर, किस तरह कार्यक्रम हो रहा है यहाँ आज आपके विद्यालय पे? गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो रहा है जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय नारायण मास्टर साहब है और कार्यक्रम के विशिष्ट आदरणीय क्षेत्र के। हाँ बताए सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम धीरज राजभर। अच्छा, यहाँ विद्यालय पे किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में बताएं। हाँ सर, यह कार्यक्रम हो रहा है देश की आज़ादी मतलब गणतंत्र दिवस के 71वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जी कार्यक्रम जो है पूरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल के पावन पब्लिक प्रांगण में हो रहा है जी। हम लोग यहाँ पर उन वीर शहीदों को भी याद कर रहे हैं और अपने संविधान के प्रति जो है बरनगर तहसील के गांव असावता में गणतंत्र दिवस मनाया गया। आज ही के दिन पूरे भारत देश में 26 जनवरी 1950 को 10:15 पर भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत के संविधान को B.R. अंबेडकर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। संविधान हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा गया था और इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। दोनों संविधान के ऊपर 318 असेंबली मेंबर्स द्वारा 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 2 दिन बाद भारत में लागू किया गया था, जिसे आज पूरे देश में 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है, जहां आज बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम व अपने नन्हे मुन्ने मुख से अपनी गीत की प्रस्तुति दी गई व प्रोत्साहन के तौर पर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत सरपंच बच्छराज सिंह राठौर, अध्यक्ष बद्रीलाल चौधरी, विशेष अतिथि जगमोहन यादव, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असावता के प्राचार्य महोदय चंद्र लाल जी चांगेसिया, दिलीप चौहान, कपिल यादव, ग्राम पंचायत असावता के सचिव संजय राठौर, सहायक सचिव प्रकाश जी राठौर एवं गांव के सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संचालन सुंदर लाल भावदिया ने किया। बड़नगर से हमारे संवाददाता इंदर परमार की रिपोर्ट। सर, आज जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी जानकारी पूरी विस्तार से बताइए। आज जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हमने विद्यालय में आयोजित किया, इसके अंतर्गत आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे ग्राम पंचायत प्रमुख श्री बच्छराज सिंह जी राठौर साहब थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप सरपंच बद्रीलाल जी चौधरी साहब और विशेष अतिथि के रूप में भी अन्य गणमान्य नागरिक श्री घनश्याम जी टाक साहब, जगमोहन जी यादव और भी कई कन्या उपस्थित थे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम किया गया, उसके अंतर्गत आज हमने सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरण गणमान्य नागरिकों के द्वारा कराया गया। साथ ही विशेष रूप में आज जो मध्याह्न भोजन भी बच्चों के लिए हमने विशेष फीसद के रूप में दिया गया, जो अभी चल रहा है। कार्यक्रम बड़ा उत्साहपूर्वक था, हमें बहुत खुशी है। मैं संस्था का प्राचार्य होने के नाते मैं पूरे जो आज कार्यक्रम में पधारे उन सभी का यथावि के समाचार जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। डिवाइन सैनिक स्कूल बोलिया क्रॉसिंग लहरतारा वाराणसी की तरफ से गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। फास्ट न्यूज इंडिया से मैं पुनीत सिंह रोहिला, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं जाका परियोजना के अंतर्गत बिरदोपुर स्वच्छता निगरानी समिति का सदस्य हूं और आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, काशी क्षेत्र के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जाका समिति के तरफ से सभी को, जैसे हम सभी नुक्कड़ नाटक कराया जाता है और लोगों को प्लास्टिक के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस किया जाता है और हम सभी काशी क्षेत्र के वासियों से ये निवेदन करते हैं कि हम सभी का अपना एक योगदान होना चाहिए समाज में काशी को स्वच्छ रखने के लिए। हम सभी का योगदान अच्छे से होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। देशवासियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं जायका परियोजना के अंतर्गत वेलूपुर जोन में अमर सिंह चेतना संस्थान के तहत प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ और हम आज इस गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर आप सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी स्वच्छता सर्वेक्षण के 2020 जो कि चल रहा है, सभी काशी के नागरिकगण इसमें अपना योगदान दें ताकि हमारी स्वच्छता रैंकिंग ऊपर हो सके और हम अपने शहर को और भी अच्छा, स्वच्छ और सुंदर बना सकें। पप्पू सिंह, मैं ठेकेदार कल्याण समिति का संरक्षक हूँ और मैं अपने देशवासियों को गणतंत्र दिवस पर बधाई देता हूँ। गांधी जी को आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, ऐसा देश हो गया है, समझे। ये देश में जितने अधिकारी हैं भ्रष्ट हैं और हमारे मोदी और योगी कहते हैं कि जो मोदी और योगी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ना किसी का विकास हो रहा है ना किसी का साथ हो रहा है, सब हमारा देश बर्बाद होकर चल बर्बादी की तरफ चल रही है। मैं हेमंत सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वाराणसी। इस बार 71वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारी तरफ से सभी देशवासी एवं प्रदेशवासी और विशेष रूप से काशी वासियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं मैं। ईश्वर सभी को सुख शांति समृद्धि से रहें सभी लोग, यही मेरी तरफ से लोगों को शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और माननीय हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके द्वारा काशी में जो विकास कार्य की गंगा बह रही है, बहुत तेज़ी से पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण चल रहा है, चारों तरफ एकदम हो रहा है, रिंग रोड आदि जो भी विकास में की गति अग्रसर की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और स्वच्छता के प्रति माननीय मोदी जी के अभियान को जो काशीवासियों ने विशेष तौर से उसको ले लिया कि और उस कुछ स्थान पर दिख भी रहा है कि नहीं, स्वच्छता चारों तरफ दिख रही है और प्लास्टिक मुक्ति की तरफ भी धीरे धीरे काशीवासी बढ़ रहे हैं, प्लास्टिक से भी छुटकारा पाना चाह रहे हैं और इसमें काफ़ी हद तक सभी जनता का एवं सभी काशी के लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और सभी लोग स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। मैं सुनील मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष पंचायत प्रकोष्ठ वाराणसी। मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस वर्ष 26 जनवरी 2020 को भारत का 71वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। आज ही के दिन
हमारे देश के हमारा खुद का संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश मनाया था। मैं विकास केसरी, भारतीय जनता पार्टी महानगर संयोजक, राजनीतिक प्रकृष्टि और प्रतिज्ञा विभाग, मैं आप सभी देशवासी, प्रदेशवासी और काशी की जनता से 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना आप सभी को, और इस जो शांतिपूर्वक त्यौहार को जो संविधान नया हम लोग का आया है आज के दिन, उसको बहुत ही सरलता, बहुत ही शांतिपूर्वक सभी देशवासियों, जनता से, काशी की जनता से अपील करता हूं कि शांति से मनाएं। और जो बहकावे आजकल जो चल रहा है माहौल, जो स्थिति चल रही है, आप भी देख सकते हैं जो आज समय चल रही है अपने देश में, प्रदेश में, चाहे वो काशी ही हो क्यों ना हो, बहकावे में किसी में ना आवे और अपने आप को समझें। और ये क्या जो गलत तरीके से जो लोग बहका रहे हैं उससे थोड़ा बच के रहें, बस इतना ही अपील करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं विजय कुमार, अध्यक्ष सर्वोदय शक्ति फाउंडेशन की ओर से पूरे अपने इस वाराणसी की जनता को, पूरे देश की जनता को इस राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और देश के हमारे सभी नागरिक सम्मानित हों, सुखी रहें और हर प्रकार की उनकी मनोकामना पूरी हो। और इसके साथ ही हमने अपने सर्वोदय शक्ति फाउंडेशन की ओर से अपने इस रीजनल ऑफिस पर एक कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए कार्यक्रम रखा हुआ ध्वजारोहण का 3 बजे, जिसमें हमारे गांव तुलसीपुर के सभी क्षेत्रीय नागरिक, पास पड़ोस के सम्मानित नागरिक, उसमें हमने निगम पार्षद को भी बुला रखा है अपने एरिया क्षेत्र के। तो कल हमारा जो कार्यक्रम होगा बच्चों पर आधारित होगा, बच्चों के अंदर देशभक्ति, देश का भाव, देश प्रेम की भावना और शहीदों के प्रति प्रेम जागृत हो। और ये जो हम छोटी मोटी समस्याएं हैं, जाति धर्म के झगड़े, उससे दूर हटें, देश के बारे में सोचें, शहीदों को याद करें और देश के विकास में अपना हर संभव सहयोग दें। अधिक से अधिक हम अपना शिक्षा ग्रहण करें, जिससे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चिन्हों पर हमें चलने का अवसर मिले, हम उनकी आत्मा को शांति दें। अजीत कुमार सोनी, जिला उपाध्यक्ष, व्यवसायिक प्रकोष्ठ। 26 जनवरी 2020 71वां गणतंत्र दिवस पर आप सभी को, प्रदेश व देशवासियों को, काशीवासियों को हार्दिक शुभकामना संदेश। और 26 जनवरी का जो हम लोगों का ये पर्व होता है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण मनाएं, आप लोग शांतिपूर्वक मनाएं। सोहनी अलंकार मंदिर की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मंडुआडी रोड, वाराणसी। मेरा नाम गणेश पाल है, मैं पाल समाज का यूथ का जिलाध्यक्ष हूँ, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर कार्यकर्ता, साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग मोर्चा में मैं जिला मीडिया प्रभारी, और मैं इस 71वें स्वतंत्र
गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को और समस्त काशीवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और आशा इन्हें विश्वास करता हूं कि ये गणतंत्र दिवस शांति शांतिपूर्वक सभी देशवासी मनाएंगे। प्रदेशवासियों को मैं जहीर अहमद, प्रबंधक दून पब्लिक स्कूल रुड़की हरिद्वार एवं समस्त स्टाफ की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। वहीं मिर्जापुर में पुलिस लाइन में आज 26 जनवरी के 71वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन ग्राउंड में सुबह 7 बजे से ही परेड व सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा राज्य मंत्री राम शंकर पतेज ने ध्वजारोहण किया। पुलिस प्रशासन और पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। पुलिस लाइन ग्राउंड में उप महानिरीक्षक व SP व अन्य सम्मानित गण उपस्थित रहे। मिर्जापुर से हमारी संवाददाता अन्नपूर्णा श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बहुत आदर से खुशी के लिए एक बार जोरदार तालियां देते हुए याद रहे। अगली प्रस्तुति उमा माधवी कानवी के फूल पैरा पर के बच्चे तुरंत ग्राउंड पे आ जाए। उसके बाद तीसरे नंबर पर जेसी बाल मंदिर के बच्चे थोड़ा सा मैं जानना कहना चाहूंगी, आप कुछ जनता से कुछ कहना चाहेंगे? इस मौके पर कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे जो ये इतना सब कुछ हुआ, ये विरोध भी हुआ, प्रदर्शन का। मेरा यही कहना है, पहले पूरे देशवासियों को शुभकामना देते हैं गणतंत्र दिवस का 71 वर्ष वाला। और मेरा यही कहना है कि आज हमारा नेतृत्व जो है, हमारे जो प्रधानमंत्री है भाई नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में है। ये जितने लोग देशद्रोही हैं इनका मंशा किसी भी तरह से पूरा नहीं होने पाएगा। जब कानून सदन में पास हो गया एक तरह से चुनी हुई सरकार के द्वारा, अगर विरोध करना था तो वहां करते, जो वहां पास हो गया तो उसका जो भी विरोध करेगा वो देशद्रोही के संज्ञान में आएगा। वो देशद्रोही है क्योंकि भारत माता ही हमारी माता है और जो कानून है उसके अलावा कुछ भी नहीं, चाहे ममता हो या जो है, जो नरिया रहे देश का कभी भी भला करने के लिए नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी वोट की राजनीति नहीं करती, सबका साथ सबका विकास करने के लिए तत्पर रहती है। भारत देश एक ऐसा देश है जो कि सबका साथ लेकर चलने वाला है। जो कहते हैं कि क्यों हिंदुओं को ही यहाँ का नागरिकता दिया गया, पाकिस्तान में मुसलमान सताए नहीं जा रहे हैं, वहाँ अल्पसंख्यक हैं हिंदू सताए जा रहे हैं। अगर भारत उनको शरणार्थी के रूप में नागरिकता नहीं देगा तो विश्व कोई ऐसा स्थान नहीं जो कि उनको दे, नहीं तो लोगों को समुद्र में आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं। इसलिए हमारे नरेंद्र भाई मोदी सभी को यहाँ नागरिकता दिए। इसी के साथ मैं अपना बड़ी समाप्त। आज के दिन कुछ युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को मेरा यही संदेश है कि भारत है तो हम है, भारत सर्वोपरि है, देशभक्ति रहेगा और देश रहेगा तभी हम रहेंगे नहीं। और इसी के साथ सभी युवाओं को मैं इसके लिए शुभकामना दे रहे हैं। आज युवा वर्ग ही नरेंद्र भाई मोदी के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा है, जो कि जागरूक है, देश हित में है और यही हम लोगों को बधाई देते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर लोग नाच गाना करते हैं,
जौनपुर जिले में कई विद्यालय व महाविद्यालयों में गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां अभिमन्यु यादव महाविद्यालय लपरी जौनपुर में सरस्वती वंदना कर प्रधानाचार्य वकील यादव व प्रबंधक मुन्ने लाल यादव ने 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विद्यालय के संस्थापक अभिमन्यु यादव, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, वेद प्रकाश मिश्रा, बाला आदि लोग इतिहास में पहली बार लागू हुई। निश्चित रूप से
कानून व्यवस्था, आज कानून व्यवस्था अभी आप देखे होंगे हमारे मिर्जापुर जनपद के बड़े ही सम्मानित लोग बैठे हैं, मिर्जापुर जनपद के बड़े सम्मानित अधिकारी घर बैठे हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं। आप देखे होंगे कश्मीर से 370-35 से हटने के बाद उत्तर प्रदेश शांत रहा, 3 तलाक रहा हो, राम मंदिर का फैसला रहा हो, नागरिकता संशोधन कानून रहा हो, लेकिन कहीं कहीं कानून व्यवस्था इससे साबित होता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था 1 नंबर की थी। आज उस दिन याद करिए जब 1947 में जब इस देश का 3 मई 1947 को बंटवारा हुआ था, आज कितनी लगभग 60-70 दिनों के अंदर बंटवारा और 10 से 11 लाख लोगों ने भूमि का संघर्ष खेल करके भारत को आजादी के बाद फिर से भारत का बंटवारा हुआ। आज चाहे जम्मू कश्मीर हो, लगभग 7 गणराज्य के जगह 9 गणराज्य बनाए गए, आज देश में आज जब दूसरा भारत आजाद हुआ था तो निश्चित रूप से भारत आजाद होने के बाद इस भारत में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो लोगों की सोच थी, जो लोगों की मंशा थी, इस देश को गरीबी से मुक्त करेंगे, इस देश को पुनः सोने का चिड़िया बनाएंगे, आज उस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज दिखाई दे रहा कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा। आज ये जो एक व्यवस्था मैं मिर्जापुर जनपद के पुलिस अधीक्षक को RI को बधाई दूंगा, क्या 26 जनवरी दिखाई दे रहा है पुलिस लाइन के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह, जो आज देश की मंशा थी आज निश्चित रूप से आज पूरे देश में, आज मुझे पहली बार खुशी हो रही है कि कश्मीर में भी तिरंगा झंडा फहराए जा रहे हैं। अभी मैं TV पर देख रहा था आज कश्मीर में खुशियां हैं, आज मुझे भी गर्व हो रहा है, आज कुछ पुलिस लाइन में लग रहा है, उस आजादी के समय जो लोगों ने अपने खून की होली खेली थी, लेकिन आज जीता जागता उदाहरण आज यह देश खुशी के माहौल में जी रहा। आज आयुष्मान भारत योजना, उस दिन याद करिए जब गरीब गरीबी में जीता था, दवा के लिए पैसा नहीं था, आज विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना, सौभाग्य योजना, जो आजादी के 70 साल बाद हम गांवों को बिजली नहीं दे पाए थे, आज हमने घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। उस दिन याद करिए 3 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जनपद में बिजली नहीं मिलती थी, एक हफ्ता रात। यह ज्ञात है कि हम सभी सन 1950 ईस्वी से इस संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाते हैं और आज के बड़े सुख और हर्ष की बात है कि हमारे देश के स्वतंत्र होने के 3 वर्ष बाद यह हमको संविधान मिला जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निर्मित परिश्रम पूरे देश को संचालित करने के लिए नियमबद्ध किया गया और हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुभ का अवसर है जिस पर हम सभी देशवासी के लिए पूरे किसी भी जात या धर्म किसी भी संप्रदाय का सबको जो है इस संविधान के द्वारा रहने खाने पीने सब की जो है स्वतंत्रता देता है और यह हमारा जो संविधान है पूरे विश्व में सबसे बृहद और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समस्त सभी विभिन्न देशों की सारी संस्कृतियों को सभ्यताओं को अपने में समाहित करता है और हम सभी ऐसे भारतवासी हैं सभी का स्वागत करते हैं इसकी दृष्टि से यह हमारा संविधान भी बनाया गया है जिसके उपलक्ष्य में हम सभी देशवासी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इसके बाद यही ज़्यादा मैं कुछ कहते समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया।